नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में नागरिक शास्त्र पाठ 6 नौकरशाही इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो दोस्तों, ये रहा हमारा पाठ 6 नौकरशाही, इसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न कथन सत्य है या असत्य बताकर फिर से लिखो। पहला कथन क्या दिया गया, संसदीय लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों और मंत्रियों पर प्रशासनिक उत्तरदायित्व रहता है। इसके उत्तर में आएगा यह कथन सत्य है। दूसरे में दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग UPSC महाराष्ट्र में प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा द्वारा प्रत्याशियों का चयन करता है। इसके उत्तर में आएगा यह कथन असत्य है। सत्य कथन क्या है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा द्वारा प्रत्याशियों का चयन करता है। सो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। पहला कथन क्या दिया गया, प्रशासनिक सेवाओं में भी आरक्षित स्थानों की नीति है। इसके उत्तर में आएगा पहला, समाज में महिला दिव्यांग जैसे दुर्बल वर्गों के साथ ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का एक बड़ा दुर्बल वर्ग भी है। दूसरा है, इन वर्गों का समाज के अन्य वर्गों के साथ आना आवश्यक होता है। तीसरा है, सामाजिक विषमता के कारण ये दुर्बल वर्ग नौकरियों की तरह ही प्रशासकीय सेवा से भी वंचित थे। और चौथा है, नौकरशाही तथा प्रशासकीय सेवाओं में दुर्बल वर्गों को अवसर देकर सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए आरक्षित स्थानों की नीति स्वीकार की गई। सो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रशासनिक कर्मचारियों का राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ रहना क्यों आवश्यक है। इसके उत्तर में आएगा पहला, भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में हर 5 वर्ष बाद नई सरकार सत्ता में आती है परंतु नौकरशाही स्थायी रहती है। दूसरा है, पूर्व सरकार की नीतियों तथा निर्णयों का क्रियान्वयन उतनी ही कार्यक्षमता और निष्ठा से नौकरशाही द्वारा किया जाना चाहिए। तीसरा है, सरकार बदलने पर भी नीतियों में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए प्रशासकीय कर्मचारियों को कोई भी राजनीतिक भूमिका स्वीकार किए बिना निर्णयों का क्रियान्वयन करना होता है। चौथा है, यदि प्रशासकीय कर्मचारी राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित होकर कार्य करेंगे तो कामकाज में अव्यवस्था पैदा होगी, इसलिए प्रशासकीय कर्मचारियों का राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ रहना आवश्यक है। सो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखो। उसमें से पहला है, विभाग का प्रशासन कार्य कुशलता से चलाने में मंत्री और प्रशासनिक कर्मचारियों की भूमिका स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा, किसी भी विभाग का प्रशासन कार्य कुशलता से चलाने के लिए मंत्री और प्रशासकीय कर्मचारियों के बीच एक दूसरे के पूरक का संबंध होना चाहिए। उसमें से पहला है, प्रशासकीय कर्मचारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही मंत्री निर्णय लेने का कार्य करते हैं। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि मंत्री को अपने विभाग की अनेक बातें मालूम ही नहीं होती, वे प्रशासकीय कर्मचारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं। तीसरा है, किसी योजना का विवरण, उसके द्वारा उपलब्ध वित्तीय निधि, योजना का इतिहास आदि बातों से संबंधित पूर्ण जानकारी प्रशासकीय कर्मचारियों को ही मालूम होती है। चौथा है, मंत्रियों को भी प्रशासकीय कर्मचारियों पर पूर्ण विश्वास करके उनसे काम करवाना चाहिए, उनके प्रति आदर की भावना रखते हुए पारदर्शी प्रशासन चलाने पर विभाग का प्रशासन अपनी पूरी कार्यकुशलता से चलेगा। सो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नौकरशाही से राज्य प्रशासन को स्थिरता किस प्रकार प्राप्त होती है उसे स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा पहला, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन का कार्य नौकरशाही द्वारा किया जाता है। दूसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से प्रशासकीय निर्णयों के क्रियान्वयन का कार्य नौकरशाही द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से किया गया, इसी कारण उसका समाज पर अच्छा परिणाम दिखाई देता है। तीसरा है, सार्वजनिक स्वच्छता, जलापूर्ति, कृषि सुधार आदि सेवाएं जनता को उपलब्ध कराने में नौकरशाही का ही परिश्रम काम आता है। चौथा है, सामाजिक बदलाव का होना, समाज के उपेक्षित वर्गों का मुख्य धारा में आना आदि विभिन्न प्रकार के कार्य भी नौकरशाही के कारण ही संभव हुए हैं।
इस प्रकार नौकरशाही से राज्य प्रशासन को स्थिरता प्राप्त होती है। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न संकल्पना पूर्ण करो। प्रशासनिक सेवा प्रकार, उसके कौन कौन से प्रकार हैं उसके उदाहरण हमको लिखना है। यहाँ पे देखो उदाहरण दिया गया, प्रकार नहीं दिया गया, केंद्रीय सेवाएं दी गई है, उदाहरण हमको लिखना है, यहाँ पे दोनों लिखना है। उसमें से पहला प्रकार कौन सा है, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, उसके उदाहरण क्या है, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। और दूसरा क्या है, केंद्रीय सेवाएं हैं, उसमें का उदाहरण क्या है, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा। और तीसरा क्या है, राज्य सेवाएं हैं, इसको उदाहरण क्या दिया गया, खंड विकास अधिकारी और तहसीलदार। सो दोस्तों अब हम नेक्स्ट करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, नौकरशाही का स्वरूप स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा, भारतीय नौकरशाही की संरचना और स्वरूप बहुत ही व्यापक और पेचीदा है। उसमें से पहला है, सरकार की नीतियों को प्रत्यक्ष कार्यवाही में लाने की प्रशासकीय व्यवस्था को नौकरशाही कहते हैं। दूसरा, मंत्रिमंडल के बदलने पर भी नौकरशाही का अस्तित्व अस्थायी स्वरूप का रहता है। तीसरा, राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ रहकर नौकरशाही अपने दायित्व का निर्वहन करती है। और चौथा है, विभाग की अकार्यक्षमता के विषय में सीधे नौकरशाही को उत्तरदायी न मानकर संबंधित मंत्री को उत्तरदायी माना जाता है और नौकरशाही को अनामिक रखा जाता है। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 6 नौकरशाही, इस पार्ट का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताएं, ताकि और भी हम सुधार कर सके। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, स्वाध्याय का प्रश्नोत्तर वो अच्छी तरीके से कर सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।